हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस इज 24 स्क्वायर यूनिट। तीन वर्टेक्स दिया हुआ है एक ट्रायंगल का, हम तीनों को कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल का तीन वर्टेक्स दिया हुआ है और उस ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है 24 स्क्वायर यूनिट। हमें क्या फाइंड करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है। ये जो के का वैल्यू है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पहले हम लिख लेते हैं x1 x2 x3। इससे क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाता है हमारा। तो x1 हो गया 1, x2 हो गया -4, x3 हो गया -k और y1 y2 y3। y1 हो गया -1, y2 हो गया 2k और y3 हो गया -y। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 मॉड x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y3, यहाँ पे आ जाएगा y3 माइनस y1, यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 1/2। वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 का वैल्यू है 1 प्लस x2 का वैल्यू है -4 और प्लस x3 का वैल्यू है -k। तो ये प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, -k। ठीक है, यहाँ भी प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस। y2 माइनस y3 लिखना है, y2 है 2k माइनस y3, y3 का वैल्यू है -5। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलके ये बन गया प्लस। फिर यहाँ लिखना y3 माइनस y1, y3 का वैल्यू हो गया -5 माइनस y1 का वैल्यू हो गया -1। ये दोनों माइनस माइनस भी मिलके बन गया प्लस। यहाँ लिखना y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू है -1 माइनस y2 का वैल्यू हो गया 2k। और एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 24, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के प्लेस में हम लिख देते हैं 24। तो ये हो गया 24 इक्वल टू 1/2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2k प्लस 5 माइनस 4 और ये -5 प्लस 1, ये बन गया -4। -4 इंटू -4 ये बन जाएगा प्लस 16 और ये हो गया -k इंटू -1, -k और -k इंटू -2k ये बन गया प्लस 2k स्क्वायर। तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 48 इक्वल टू मॉड के अंदर 2k स्क्वायर और प्लस 2k माइनस के, तो ये बन गया प्लस के और 16 प्लस 5 ये बन गया 21। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब इसके बाद क्या है कि ये मॉड का साइन हमें रिमूव करना होगा आगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो मॉड का साइन अगर हम रिमूव करेंगे तो ठीक है क्या होगा, एक बार हम इस नंबर को प्लस साइन के साथ लेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ये 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 21 इक्वल टू 48 और 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 21 इक्वल टू माइनस 48। ठीक है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये मॉड जो सिंबल है इसका बहुत ज़्यादा डिटेल क्लास 10 में नहीं है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोला जाता है। ये हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है, फंक्शन चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है, इसका पूरा प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है इस फंक्शन की उसके बारे में क्लास 11 में पढ़ना है। अभी के लिए इतना समझ लो कि मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू एक वैल्यू है ए। तो अगर ये मॉड साइन हम हटाएंगे तो एक्स का वैल्यू सिर्फ ए नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट है, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस है। इस तरीके से इस मॉड के साइन को हटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, इस मॉड के साइन को हटा रहे हैं। तो इस नंबर को एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे, एक बार माइनस। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक बार इस प्लस वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 21 इक्वल टू 48, ये 48 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 21 माइनस 48 इक्वल टू 0, तो 48 माइनस 21 क्या हो गया, 2k स्क्वायर प्लस के, 48 में से 21 गया तो ये बन जाएगा 27, माइनस 27 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 27 दुनी हो गया 54। ठीक है, ये हो जाएगा
और कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। यहाँ एक मिस्टेक हो गया ना, माइनस के इंटू माइनस वन था तो ये हो जाता प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे टू के प्लस के ये बन जाता थ्री के, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया। हो गया टू के स्क्वायर प्लस थ्री के माइनस 27 इक्वल टू जीरो, ठीक है। टू इंटू 27 ये हो रहा है 54, तो टू के स्क्वायर प्लस नाइन के माइनस सिक्स के माइनस 27 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे के कॉमन आ गया तो टू के प्लस नाइन, और यहाँ माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा तो टू के प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। एक ब्रैकेट में आ गया टू के प्लस नाइन, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा k माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहां से k का दो वैल्यू मिल जाएगा हमें, k इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू और k इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो एक पार्ट सॉल्व हो गया, ये पॉजिटिव वाला पार्ट हमने यहां सॉल्व कर लिया, इससे k का दो वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसको भी आगे सॉल्व करेंगे, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। 2k स्क्वायर, ठीक है, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 21 इक्वल टू माइनस 48, ये माइनस 48 इधर आके प्लस हो जाएगा। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 21 प्लस 48 इक्वल टू जीरो। 2k स्क्वायर प्लस 3k 21 और 48 ये हो गया 49 59 69, प्लस 69 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म अगर हम स्प्लिट करेंगे तो 69 इंटू 2 ये कितना हो गया 138, ठीक है। अब दो नंबर ऐसा चाहिए कि प्लस माइनस करने पे तो थ्री आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 138, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक से सॉल्व करने के लिए हमें पहले डी निकालना होगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के प्लेस पे है थ्री, थ्री का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 69, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 टू जाए 8 इंटू 69। ये जो भी होगा सॉल्व होने के बाद ये एक नेगेटिव नंबर आ जाएगा, क्योंकि 8 इंटू 69 एक बड़ा नंबर हो गया, 9 में से उसको माइनस करेंगे तो जो भी आएगा नेगेटिव। अगर d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, तो इससे आगे हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर पता चल गया कि अब ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि d का तीन कंडीशन होता था, d का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, d का वैल्यू इक्वल टू जीरो, d का वैल्यू लेस देन जीरो। तो ये d का वैल्यू आ गया लेस देन जीरो, d का वैल्यू लेस देन जीरो होने से क्या होता था, नो रियल रूट, ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसको इसलिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट भी नहीं हो रहा था। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ से कोई और k का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, तो बस यहीं से k का दो वैल्यू निकल गया, एक माइनस नाइन बाई टू और k का वैल्यू थ्री। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस k इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू और k इक्वल टू थ्री, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।